बिल्कुल सही कहा बेना। सुंदर भाई पक्कू हाँ तुम्हारा शॉप ना ओपनिंग में हमें बड़ा अहमदाबाद आउछो हाँ। और खूब मिठाई खाएंगे। अरे पाकू पाकू मैं अभी से सब गोकुलधाम वासियों को आमंत्रित कर देता हूँ। उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं माय डियर जीजा जी को सौंप रहा हूँ। माय डियर जीजा जी उद्घाटन के दिन पूरे गोकुलधाम वासियों को अहमदाबाद लाने की जिम्मेदारी आपकी। वाह दुकान तेरी उद्घाटन तेरा और सबको मुंबई से अहमदाबाद लाऊं मैं। वाह वाह बेटा वाह हाँ जरूर जरूर। अरे भाई तू उद्घाटन की तारीख तो नक्की कर। गोकुलधाम क्या पूरे मुंबई को लेके आऊंगा। पर सुंदर भाई तुम्हारी शॉप ने ओपनिंग छे क्या रे? ओ तो दस वो क्या है कि माँ अभी हरिद्वार गई है तो माँ के आते ही तारीख निकलवा के मैं आप सब लोगों को बोल दूंगा। सुंदरलाल मुझे उद्घाटन की तारीख पहले से बता देना क्योंकि उस दिन हमारे अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में मैं तुम्हारी दुकान का फुल पेज विज्ञापन छापूंगा। ओहो क्या और वो भी अपनी तरफ से। लेकिन पोपटलाल दुकान तो अहमदाबाद में खुल रही है तो तूफान एक्सप्रेस में विज्ञापन देके क्या फायदा? मतलब पढ़ेगा कौन? क्या मतलब क्या भाई तुम्हारा? मैंने बताया ना तूफान एक्सप्रेस अंतरराष्ट्रीय अखबार है। भारत के हर मुख्य शहर से निकलता है, अहमदाबाद से भी निकलता है। अरे भाई पोपटलाल बिड़े मास्टर मजाक कर रहा है भाई। नहीं मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ। तो बस ना हाँ पोपट भाई तूफान एक्सप्रेस में तो विज्ञापन आना ही चाहिए। अरे भाई सुंदर तू अहमदाबाद से आया है थक गया होगा। चल अभी घर चल चाय नाश्ता कर ले चल। फ्रेंड्स मैं क्रिकेट किट लेके आता हूँ। चलिए सुंदर मामा अब हम मैच खेलने जा रहे हैं। हाँ अरे जाओ बांजे जीत के आना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सुंदर मामा। सुंदर मामा सुबह सुबह आपके विशेष मिल गए ना तो सामने कोई भी टीम आ जाए हम जीत के आएंगे। एक बार फिर से बताए अब मुझे भी ऑफिस आना है चलता हूँ। है जेठालाल अरे मैं तो सब एक दो मिनट रुको ना जरा काम है थोड़ा। क्या देखना मैं तो सब कुछ भी बहाना बना के टैक्सी के पैसे मुझसे दिलवा। माय डियर जीजा जी आप ये सोच रहे हो ना कि मैं आपसे टैक्सी का भाड़ा मांगूंगा लेकिन आप गलत सोच रहे हो। आज आप भाड़ा देने की जिद भी करोगे ना तो भी मैं आपसे भाड़ा नहीं लूंगा। ओके तुम हम कहीं अपने साले पे शक करते हो भाई। देखो ना खुद दे रहा है पैसे। ये लो भाई तुम्हारा टैक्सी का भाड़ा। अभी कैश लेना बंद कर दिया सुंदर भाई। पर मेरे पास अभी चेकबुक नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड भी पड़ा हो तो दे दो। मेरे पास कार्ड स्वाइप करने का मशीन पड़ा है। हाँ वो भी अच्छा है मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। क्या रोकड़े भी बच जाएंगे बाजार में मुझे काम लगेंगे। कहाँ गया क्रेडिट कार्ड का? यार क्रेडिट कार्ड तो मैं अहमदाबाद ही भूल गया। ए बका तेरे पास क्रेडिट कार्ड है? हाँ है ना सुंदर भाई। हाँ चला दे। लेकिन मेरा कार्ड तो बैंक वालों ने बंद कर दिया है। भाई लो मैं जब भी बैंक जाता हूँ क्रेडिट कार्ड लेने उन लोग राशन कार्ड मांगते हैं। और सुंदर भाई आपको तो पता है मेरा राशन कार्ड सरकार ने जब्त कर लिया है। क्यों बताना जरूरी है? एक मिनट दे देता हूँ एक मिनट। माय डियर जीजा जी हाँ एक मिनट आइए ना। अरे आइए ना काम है एक 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 मिनट के लिए आइए। क्या हुआ क्या? अरे बताता हूँ जीजा जी इधर आओ ना जरा एक मिनट। आइए मैं तो सर मैं क्या करूँगा भाई? अरे चलो भाई साथ में रहोगे तो जरा हिम्मत रहेगी। पर आइए आइए जीजा जी। वो आपके पास कार्ड है? विजिटिंग कार्ड? नहीं नहीं जीजा जी विजिटिंग कार्ड नहीं क्रेडिट कार्ड है आपके पास? क्यों क्या है जीजा जी क्या अभी अभी पता चला कि ये टैक्सी वाला है वो कैशलेस हो गया है। वो बोल रहा है
कार्ड से ही पेमेंट करो। मेरा पास कार्ड है लेकिन क्या है, तो वो अहमदाबाद रह गया है। आप एक काम करो ना, अभी अभी आपके कार्ड से पेमेंट कर दो, मैं आपको बाद में दे देता हूँ। नहीं सुंदरलाल, घर से जब भी बाहर निकलो कार्ड साथ लेके निकलना चाहिए ताकि पैसे के लेन देन में आसानी रहे, यूं किसी से मांगना नहीं पड़े। आपकी बात सही है मेहता साहब, वो कहे कि मैंने कार्ड निकलवा के ही रखा है, पर कहे कि अभी मैं भूल गया हूँ। तो जीजा जी जरा भाई, कितना हुआ? 20,000। 20,000? अहमदाबाद से मुंबई आने का 20,000 थोड़ी होता है। अहमदाबाद से यहाँ तक आने का 12,000। हाँ। और इससे पहले अंबाजी गए थे, उसके 8,000 बाकी है, हुए ना 20,000? बोलो। सॉरी। देखा मेहता सर, और आप कह रहे थे मैं खामा का उस पर शक कर रहा हूँ। अभी तो सिर्फ 20,000 का चूना लगा है, ये दुकान खोलने के बहाने पता नहीं और कितने पैसे हटेगा मुझसे। जेठालाल, ये तो दिस इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तुम्हें तो उसे दुकान खोलने में मदद करनी चाहिए। मेहता साहब क्या बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ जेठालाल। देखो अगर तुम उसे दुकान खुलवाओगे तो बिजी हो जाएगा, बिजी हो जाएगा तो तुम्हें परेशान करने आएगा ही नहीं, क्योंकि उसे अहमदाबाद से मुंबई आने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी भाई। अगर ऐसा हुआ तो मेहता साहब आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दुकान चलाना बच्चों का खेल नहीं है मेहता साहब। और ये दया और सुंदर के खानदान में किसी ने आज तक दुकान नहीं खोली। मुझे तो ऐसा लगता है कि बचपन में इसने वो व्यापार नाम का खेल आता ना, वो भी नहीं खेला होगा। अरे जेठालाल, दुकान नहीं खोली मान, लेकिन हर व्यक्ति कभी ना कभी जीवन में शुरुआत करता ही है ना भाई। अब दुकान खोल लेगा, और तुम्हें तो अनुभव है ना, तो तुम्हें उसे गाइड करना चाहिए। अरे भाई ये साइड में ही ठीक है, इसको गाइड नहीं कर सकते। अगर मैं उसको इतनी सी भी उंगली दूंगा ना, वो मेरा पूरा हाथ खींच लेगा। मुझे पूरा यकीन है मेहता साहब, ये जो नई दुकान खोलने वाला है ना, उसमें पूरा माल वो मेरे नाम पे उधारी में लेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जेठाला। अरे कुछ नहीं होगा क्या मेहता साहब, हुआ है। कल रात को, रात को पूरी रात सपने में कितने व्यापारी आए पैसे वसूलने। अरे जेठालाल, तुमने ये बात अपने दिमाग में इस तरह बिठा लिया कि तुम कुछ और सोच ही नहीं पा रहे। अरे इस तरह से नकारात्मक मत सोचो, अपना मूड ठीक करो, अभी जाओ घर पे जाओ। और मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं, आराम से बात करते हैं, ठीक है? ठीक ठीक है, मिलते हैं। बेटा सुंदर, कोई बात नहीं, पहली बाजी भले तू जीता, लेकिन मैं वादा करता हूँ दूसरी बाजी तो मैं ही जीतूंगा। बात यह है बापू जी, मैं नई दुकान खोल रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि सब माल सामान कपड़ा लेता मुंबई आके ही ले लेता हूँ, और यहाँ आ ही रहा हूँ तो सोचा कि आपके और माय डियर जीजा जी के दर्शन भी कर लूँ और आशीर्वाद भी ले लूँ। अभी आप ही की बात कर रहे थे मेरा वीरा। आपको पता है मेरा वीरा कितना मानता है आपको? हाँ सुंदर भाई तो पूरा दिन जीजा जी के नाम की माला जपते रहते है। अरे हाँ माय डियर जीजा जी, अरे कल की ही बात है, कल मैं एक दुकान से माल खरीदने गया, माल खरीदने के बाद दुकानदार ने मुझे पूछा कि बिल में किसका नाम लिखूं, तो बस मेरे मुँह से आपका ही नाम निकल गया। अरे नहीं माय डियर जीजा जी, मैंने बिल पे आपका नाम नहीं लिखवाया, बिल पे मैंने मेरा ही नाम लिखवाया है। वीरा, तुम्हारे जीजा जी का ही नाम लिखवाना चाहिए था। जब उनके दिल पर तुम्हारा नाम लिखा है तो तुम्हारे बिल पर इनका नाम तो लिखवाना ही चाहिए ना। वाह वाह बेटा, क्या बात कही, अब से मैं वैसा ही करूंगा। हाँ वैसा भी हमारा रिश्ता तो बिल का ही है ना। हाँ दिल 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 का ही है ना। माय डियर जीजा जी, आप बहुत ही नटखट हो। बाबूजी सबसे पहले काम की बात, बाबूजी मैंने सोचा सबसे पहले आपके शुभ हाथों से काम शुरू करूं। ये लीजिए, ये है दुकान के उद्घाटन की आमंत्रण पत्रिका। अरे वाह, जरा देखो तो बाबू। ओह वाह वीरा, लेकिन सुंदर बेटा अभी तो
उद्घाटन की तारीख भी तय नहीं है और तूने कार्ड छपवा लिया। तारीख का क्या है, तारीख तो तय हो जाएगी और जैसी तारीख तय हो जाएगी मैं आप सबको फोन करके बता दूंगा। पर यहाँ आ ही रहा था तो सोचा हाथों हाथ आप लोगों को कार्ड दे ही दूं। अच्छा क्या, फोन पे तो कार्ड नहीं बांट सकते है ना। और हाँ बेना, तुझे पता है दुकान कहाँ ली है? पान कोरना के। पान कोरना के आपको पता है क्या इलाका है? मोकानी जगह। अरे एक तो मोकानी जगह। अरे फेरनो नहीं, नागनो ना। मोकानी जगह मस्त है। वाह वाह हीरा। और बाबूजी ये लीजिए, ये विजिटिंग कार्ड भी छपवा दिए। वाह वाह वाह, सुंदरलाल बाबा सूट बेबी सूट वाले। विजिटिंग कार्ड भी छपवा लिए? दुकान का नाम कल रात को ही तय हुआ, एक रात में तूने विजिटिंग कार्ड भी छपवा लिए? जीजा जी, विजिटिंग कार्ड क्या, सुंदर भाई चाहे ना तो रातों रात आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड कुछ भी छपवा सकते है। आज नहीं। हाँ बस भाई, आज के लिए बहुत हो गया। अब अरे सुंदर के लिए तूने इतनी सारी वांगी बनाई है तो खिलानी नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं, उसके लिए ही तो बनाई है। हाँ तो फिर खिला खिला भाई सुंदर, तेरी बहना ने तेरे लिए एक से एक जात जात के भात भात के वांगी बनाई है। तुम लोग नाश्ता करो, मैं दुकान जाता हूँ। सब साथ में नाश्ता करते हैं। नहीं नहीं, वो टप्पू के पापा ने कुछ नहीं खाया। अच्छा तो आप मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? चलो चलो चलो, सब लोग साथ में नाश्ता करते हैं, चलो। नहीं नहीं वीरा, वो कुछ नहीं खा सकते। क्यों, क्या हुआ? वो बात ये कि इनके पेट में गड़बड़ है। गड़बड़ है? हाँ। तो बोलते क्यों नहीं, सुंदर के पास हर मर्ज की दवा है। बका बका, वो पुड़िया निकाल दो। कौन सी? वो मेरे फूफा के लिए लाए। वो और कौन सी पुड़ी है तेरे पास? एक नंबर नो डायो। कितनी देर लगाएगा, उतनी देर में तो जीजाजी का पेट साफ हो जाएगा। जीजाजी इसको पानी के साथ फाकड़ा मार लेना, सब एकदम ठीक। एक मिनट, ये क्या है? क्या ये महा उत्पाद शामक चूर्ण? क्या, कौन सा चूर्ण? महा उत्पाद शामक चूर्ण, हमारे वहाँ के वैद्य जटा शंकर ठाकर बनाते हैं। और ये बका जब भी मुंबई आता है तो अपने फूफा के लिए 5-10 पुड़िया लेके ही आता है। ये चूर्ण पानी के साथ खा लीजिए, सारी गड़बड़ गायब हो जाएगी। नहीं नहीं, चूर्ण खाना पड़े इतने में कोई गड़बड़ नहीं है, चल। माय डियर जीजाजी, खास तकलीफ हो या ना हो, चूर्ण खाने में क्या तकलीफ है? और ये तो आयुर्वेदिक है, एकदम निर्दोष, कोई एड असर नहीं है इसकी। तो खा लीजिए टप्पू के पापा, आपके अच्छे के लिए तो कह रहे हैं सुंदर वीरा। तू तो ऐसे आग्रह कर रही है जैसे ये चूर्ण नहीं रसगुल्ला हो। अरे माय डियर जीजाजी, रसगुल्ला समझ के ही खा लीजिए, लीजिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे झिकिया खा ले भाई। अरे सुंदर सही कह रहा है, ये आयुर्वेदिक है, इसकी आड़ असर नहीं होती। लेकिन बापूजी। अरे क्या बापूजी, अरे खा ले तुझे ठीक हो जाएगा। हाँ खा लीजिए जीजाजी, खा लीजिए। हाँ जीजाजी खा लीजिए। नहीं खा सकता। छे भाई, मुझे चूर्ण तो वो गुनगुने पानी के साथ लेते हैं ना, इसलिए मैंने बोला नहीं खा सकता। अरे तो गुनगुने पानी के साथ ले ले। हाँ गुनगुना पानी तैयार ही है, मैं अभी लेके आती हूँ। गुनगुना पानी तैयार है? हाँ, वो क्या है, बापूजी अवार नवर गुनगुना पानी पीते है तो मैं थर्मोस में भर के तैयारी रखती हूँ। आप रुकिए, मैं अभी लेके आई। नहीं काम करता हूँ, तू इन लोगों को नाश्ता दे, मैं किचन में जाके ले लेता। देखिए वो डैश के बाजू में ही थर्मोस। ठीक है, आइए आइए बापूजी, आओ 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 आओ।
गया चूरन पानी में, बेजिन का पेट साफ हो जाएगा आज। दुकान आपने चूरन खा लिया? हाँ हाँ, इतनी जल्दी? चूरन में क्या ऐसा खाया, पानी पी लिया। हाँ तो फिर आइए ना, कमर साथ बैठ के नाश्ता कीजिए ना, आइए। अरे बोला ना भाई, पेट में गड़बड़ है। अरे माय डियर जीजा जी, आपने चूरन खाया ना, दो मिनट में सारी गड़बड़ गायब हो जाएगी। आइए बैठिए बैठिए। रिश्ते के लिए इतना आग्रह कर रहा है, नक्की बड़ी टोपी पहनाना चाहता है ये मुझे। अरे सोच क्या रहे हो माय डियर जीजा जी, आइए ना नाश्ता कीजिए। नहीं नहीं, तुम लोग करो, मुझे दुकान जाना है। टप्पू के पापा वीरा इतना प्यार से कह रहा है, भले आप नाश्ता ना करो पर पांच मिनट जरा बैठिए ना। अरे दया, मुझे कब का दुकान जाना था, लेकिन सुंदर आया तो तब से मैं रुका हुआ ही हूँ ना, और ज्यादा नहीं रुक सकता, दुकान में बहुत काम है मुझे। चलो बापूजी, जय जिनेन्द्र। जय जी, जय जिनेन्द्र। एक मिनट मारिए जीजा जी, मैं आपके लिए एक खास चीज अहमदाबाद से लाया हूँ, अहमदाबाद के कंदोई का मोहन थाल। कंदोई का मोहन थाल, वाह। और एक पैकेट नटू काका और बागा के लिए भी लेके आया हूँ, आप उनको दे देना। बका भैलू, ये बैग के अंदर मिठाई के बॉक्स की थैली थी, वो कहाँ है? वो थैली तो मैंने बैग में ही रखे थे सुंदर भाई। अरे नहीं है इसके अंदर। अरे उसी में है सुंदर भाई। अरे भैलू नहीं है इसके अंदर। तो अहमदाबाद रह गई। हे भगवान, क्या हुआ वीरा? हुआ क्या? अरे बेना, दुकान का सामान खरीदने के लिए मैंने 2 लाख रुपए का कवर बना के वो मिठाई की थैली के अंदर रखा था अपने हाथों से, और ये बंदे नमूने वो थैली ही अहमदाबाद छोड़ के आ गए। लाया लाया बापू लाया, मुझे पहनाने के लिए निकाली, 2 लाख की बड़ी टोपी निकाली। जेठालाल के भैया होगी अब तो बड़ी कसौटी, क्योंकि सुंदर लाल ने पहनाई है पूरे 2 लाख की टोपी। लेकिन जेठालाल इस बार है पहले से तैयार, ठान लिया है करेंगे पलट के वार। तो क्या होगा देखेंगे हम, दिल को थाम। जीजा और साले में होगा बड़ा संग्राम, तो कौन यहाँ जाएगा जीत, कौन जाएगा हार, देखने के लिए रहिए तैयार। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसे चूल्हा लगाएगा, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.